पक्ष में सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेती हूँ। अखिलेश जी से मैंने राजस्थान को लेकर प्रश्न किया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, किसान का आंदोलन 14 महीने जो तांडव हुआ इस देश में, हमने देखा, हमने किसानों को लाठियां खाते हुए देखा भाई, हमने किसानों की मौतें देखी, हमने जेल में ठूंसे गए किसान देखे, और जिस वादे पर वो सब खत्म हुआ, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से तो नहीं खैर, लेकिन किसान बेचारे अपने घर लौट गए, वो हुआ नहीं आज तक। राकेश जी, अभी गुरुप्रकाश जी कह रहे हैं कृषि बजट बढ़ गया 21 लाख करोड़ से 1.25 लाख करोड़ का हो गया, किसान तक पहुंचा क्या? बढ़ा दी हमने, हम भी तो वही कह रहे कि जो आपने बढ़ा दी सरकारी मंडी सरकारी आड़ती, आप उस पर गारंटी कानून लाने में क्या दिक्कत है आपको? आप कह दो कि व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे, आप जो भारत सरकार की गारंटी है आप उससे कंपनी खरीद करोगे, आप दे दो, उसमें क्या दिक्कत है आपको? हमने ये थोड़ा कहा सरकार को कि सरकार पूरे को खरीदेगी, लेकिन आपके जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी जो दोस्त हैं, उनको नुकसान ना हो, बिहार के किसानों का, पूरे देश के किसानों का फसल आधे रेट में लूटनी है, तो आप तो ये प्रोग्राम बनाओगे नहीं, आप तो बड़े लोगों को फायदा दोगे ना, बड़ी कंपनियों को, आप 10 साल में ट्रैक्टर टूटवाओगे, आप 10 साल में जनरेटर टूटवाओगे, 10 साल में गाड़ियां टूटवाओगे, फसल का रेट आप आधा दोगे, जो आप बोलते हो वो आप करोगे नहीं, देश का बेवकूफ बनाओगे, तो ये तो अब देश में चलेगा नहीं। देवेंद्र जी ठीक है, देश का अगले आंदोलन की सरकार तैयार है, यहाँ इलेक्शन लड़ो। हाँ। नहीं इलेक्शन लड़ने की यहाँ बात ना करो कि इलेक्शन हुआ नहीं और हमको वोट दिया है, अरे आप देश के संविधान को कहाँ मानते हो? देश के कानून को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप डरा के विधायक जो जीता हुआ विधायक था 30,000 ओटू से, आप उसको आपके अधिकारी एसपी और डीएम उसको हड़काने का डराने का काम करते हैं कि आप यहां से चले जाइए, और दूसरे लोगों को आप फर्जी जिताते हो। ठीक है राकेश जी, वोट आपको कोई नहीं दे रहा, कम है बस, चलते चलते आप मुझे डराने का काम करते हो। किसान किसान की विपदा वही, लोग डरे हैं, किसान की विपदा वही है। देवेंद्र जी मेरे साथ हैं, देवेंद्र जी संक्षेप में, गुरुप्रकाश जी बहुत सारे आंकड़े गिनवा रहे हैं मुझे, लेकिन आप रिलेट कर रहे हैं उन सारी चीजों से? देखिए मैं बहुत सारे उसमें पैनल्स में जाता हूं, शिरकत करता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारा प्रयास होता है कि भटकाया जाए जो असली इशू है, और वो बहुत दुख भी होता है जब मैं देखता हूं कि इस तरीके से आप डाटा 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 जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसको हम ज्यादा डिस्कस जिस इशू को हम डिस्कस करना चाहते हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम समझें इस बात को। अब कहा गया कि साहब 6,000 रुपए किसान को मिलता है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार कहा था कि किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए, इस बात को 10-12 साल हो गए हैं, और तब से लेके इस बात पर बहुत चर्चा भी हुई, अल्टीमेटली जब अरुण जेटली के टाइम पर यह माना गया तो मैं बड़ा खुश था उस समय, क्योंकि हमने ये मेरा यह मानना था कि कम से कम किसान को 5,000 रुपए प्रति महीना मिलना चाहिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पर, खैर उसको 500 रुपए मिले, 500 रुपए पर मंथ को हम मानते हैं बहुत बड़ी सपोर्ट है, जो 1.25 लाख का बजट है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 60,000 करोड़ रुपया वो 500 रुपए अगर उसको जोड़ लें सब किसानों को तो वो बनता है। अगर हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी सपोर्ट दे दी है किसानों को, मुझे लगता है कि उस बड़ी की डेफिनेशन को हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए ना, सितंबर 2019 में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का 6,000 रुपए महीना का जिक्र किया था, मैंने कहा था कोई बात नहीं, एक मिनट कर लीजिए, ठीक है देवेंद्र जी, क्योंकि समय कम है इसीलिए माफी चाहती हूँ। गुरुप्रकाश जी, 500 रुपए महीना सरकार को मिल रहा है, माफ कीजिएगा किसान को मिल रहा है, सरकार दे रही है 500 रुपए महीना, 2,000 की 3 किस्त मिल रही है, किसान यही डिजर्व करता है क्या देश का? नहीं, किसान को अपनी फसल का उचित दाम, पूरा दाम मिलना चाहिए, उसके ऊपर ये नहीं है कि उसको फली 80 करोड़ लोगों को फ्री दे दिया जाएगा और बाजार में उसको फ्री बांट दिया जाएगा, किसान को अपनी कीमत का सही दाम मिलना चाहिए, ये दाम नहीं है, ये बिकने है, किसान के अपनी मेहनत करके उसका दाम मिलेगी, और वही कानून जो जरूरी वस्तु अधिनियम और फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो किसानों को मारने का काम कर रहा है, इसको हटाना, और मेरा एमएसपी के तहत मेंबर होने के तहत कहना है जो हमारी कमेटी रिपोर्ट देगी वो किसानों के हित में देगी, किसानों के
पूरे सुरक्षित है आज, और कांग्रेस में पीछे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी वो 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी थी, और 14 तक हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लागू नहीं कर सके थे। इकट्ठे तो बैठना पड़ेगा गुरु प्रकाश जी, इकट्ठे होकर तो बैठना पड़ेगा, जिप तो होगा, इकट्ठे होकर नहीं बैठोगे, इकट्ठे होकर नहीं बैठोगे फिर कुकर होगा। देखो कितने साल, कितने महीने तो बीती लिए, कितने महीने तो बीती लिए, कितने महीने बीत लिए, बिल्कुल इकट्ठे तो होके बैठना पड़ेगा। आज इसी मुद्दे के लिए इकट्ठे होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अकेले अकेले ना लड़ाई नहीं मानी जाएगी। तो हम तो यही कह रहे भाई, समय तो बीत रहा भाई, किसान मर रहा, किसान आत्महत्या भी करता है, किसान परेशान भी होता है, किसान का बच्चा किसानी छोड़ता है। प्रभाकर जी अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क, सबको सुन लिया, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, किसानों को, सबको सुन लिया, लेकिन 500 रुपए महीना। घबराहट सी हो रही थी आंकड़े जब मैं सुन रहा था, और तब आदम गोंडवी की जो लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तो घबराहट सी हो रही थी। बस इतना जानता हूं, गुड़ी प्रकाश जी ने एक बात कही थी, किसानों से मैं बात करता हूं, गांव खेत में जाता हूं, तो एक किसान से मैंने कहा कि 6000 रुपया मिला था, तो उन्होंने कहा हां ट्रैक्टर ले गया था और ट्रैक्टर में डीजल डलवाया, खत्म हो गया। तो ये है उस 6000 की विसात, पहली बात। और दूसरी बात, गांव के किसानों से वो पता है क्या कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये, बहुत किसानों से आम भाषा में बात करते करते भीख तो है, हमें हमारी फसल की कीमत दे दो, वाजिब कीमत दे दो। और उसी तरह की वाजिब कीमत मांगते हुए हरियाणा में कुछ लोग खड़े हो गए थे कि उनको सूरजमुखी की कीमत दे दी जाए, एमएसपी पर जो सरकार ने घोषित किया हुआ था, उस एमएसपी की कीमत मांगी गई थी और पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, आपको याद होगा, बहुत लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए थे। तो मतलब ये कि हम बहस तो कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी की बहस कर रहे हैं और किसानों की मांग भी है, लेकिन ये भी विडंबना, ये विडंबना है कि इस देश में शांता कुमार कमेटी ने कह दिया कि महज 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, एमएसपी पर उनकी खरीदारी होती है। और दूसरा एक और है, एक और आंकड़े है कि इस देश में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि एमएसपी किस बला का नाम है। तो मतलब ये कि किसानों के लिए कुछ करना है तो गंभीरता से करना होगा और सियासत नहीं करनी होगी। इसलिए एक चीज में एक ऑब्जर्वेशन देके जा रहा हूं कि 2011 के पहले, यूपीए सरकार के पहले, जब एक मामला आया था जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का इसकी एमएसपी दिया जाए और यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से एक हलफनामा दायर हुआ था, उसमें कहा गया था कि नहीं दिया जा सकता। 2014 में नई सरकार आई, उस सरकार ने उस हलफनामे को एडॉप्ट कर लिया और कहा कि हम भी नहीं दे सकते। तो मतलब जब सरकारों से बाहर रहते हैं हम, तो हम एमएसपी सरकारों जब सरकार से बाहर यानी कि सत्ता से बाहर रहते हैं तब आंकड़े दूसरे होते हैं, जब सत्ता में पदार्पित हो जाते हैं तो आंकड़े दूसरे होते हैं। और अभी जो प्रभाकर ने कहा आदम गोंडवी की, वही कविता आगे बढ़ा देती हूं।